नमस्कार, मैं हूं ताजा अपडेट के साथ अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं TV20 न्यूज। आप अपने अपने क्षेत्रों की ताजा खबरें देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। औतरौलिया नगर पंचायत में स्थित भाजपा के क्षेत्रीय संयोजक रमाकांत मिश्रा की आवास पर सहकारिता प्रकोष्ठ के चेयरमैन वाल्मीकि त्रिपाठी दोपहर लगभग 3 बजे औतरौलिया नगर पंचायत में स्थित भाजपा नेता रमाकांत मिश्रा के आवास पर पहुंचे, जहां पर भाजपा के क्षेत्रीय संयोजक रमाकांत मिश्रा एवं अन्य भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया। इस मौके पर पथ प्रतिनिधियों से बातवार्ता करते हुए उन्होंने बताया कि धान की फसल तैयार होने के उपरांत धान की किसी डिफॉल्टर मिलों के हाथ में न जाए, इसके लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। उन्होंने भाजपा की नीतियों का बखान करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के स्पष्टवादी सोच एवं कुशल नेतृत्व के चलते आज गांव का आम आदमी भी अपने आप को उन्होंने बंद हुई समितियों हर योजना से परिपूर्ण पा रहा है। उन्होंने बंद हुई साधन सहकारी समितियों के फिर से सरकारी अनुदान देकर चलाया जाएगा। इस मौके पर सुनील पांडे, आशुतोष चौबे, पिंटू मिश्रा, भाई पान पांडे, उमाकांत मिश्रा, धीरज मिश्रा, आनंद सहित तमाम लोग उपस्थित रहे। उत्तर प्रदेश के इस प्रकोष्ठ सहकारिता प्रकोष्ठ के चेयरमैन वाल्मीकि त्रिपाठी ने क्या कुछ कहा, सुनिए। कुछ दिनों में आपको दिखाई देगी कि ये समितियाँ क्या रही हैं और कैसे बदल गई। हमारे राष्ट्रीय सहकारिता मंत्री माननीय अमित शाह जी अभी बैठक किए थे और उन्होंने बड़ा स्पष्ट संदेश दिया है कि हमारा अगर यह सहकारिता और हमारी पैक्स माने प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटियाँ जो साधन सहकारी समितियाँ हैं, अगर वो जीवंत नहीं होंगी तो किसानों के साथ हम उनके हर कठिनाई को दूर नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमारी केंद्र सरकार और हमारी उत्तर प्रदेश सरकार सहकारिता के माध्यम से किसानों के किचन तक पहुंचने का काम कर रही है। आप देखेंगे और आप कल कहेंगे कि तो बढ़िया काम कर रही है सरकार। मतदाताओं के बीच में सबसे बड़ा मुद्दा गरीबों के, जो निचले स्तर तक गरीब हैं, वो कैसे उत्थान कर रहे हैं, इस मुद्दे को लेकर जाएगी। और उसी भरोसे पर जो है हम 2024 में एक लक्ष्य है कि उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं, उन 80 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा और हम ऐतिहासिक मत से केंद्र में पुनः हम सरकार बनाएंगे, जिसकी अगुवाई हमारे एक तपस्वी प्रधानमंत्री